सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। पहले योजना का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, हिंसा हुई, बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इसे वापस नहीं लिया और अब इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी विवाद हो गया है। दरअसल अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए फॉर्म भरने वाले अग्निवीरों से उनकी जाति और धर्म के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। किसी भी भर्ती में आमतौर पर ऐसे सर्टिफिकेट तब मांगे जाते हैं जब आरक्षण लागू होता है। जाति आधारित आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब सेना में कोई आरक्षण लागू नहीं होता तो फिर जाति और धर्म के सर्टिफिकेट क्यों मांगे जा रहे हैं। खास बात यह है कि विपक्ष नहीं बीजेपी के सहयोगी भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रही जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सफाई मांगी है। उन्होंने पूछा, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है? संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार अग्निवीर नहीं जातिवीर बनाना चाहती है। उन्होंने ट्वीट किया, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस गर्म है। लोग भावी सैनिकों की जाति और धर्म पूछे जाने पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच मामले के तूल पकड़ने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई पेश की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से जो व्यवस्था चली आ रही है वही व्यवस्था है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लेरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। राजनाथ सिंह के बयान का मायने ये कि पहले भी सैनिकों की भर्ती में जाति और धर्म से जुड़े प्रमाण पत्र मांगे जाते रहे हैं। लेकिन सवाल तो अब भी ये उठेगा ही कि जब पूरी भर्ती की प्रक्रिया ही बदल दी गई, नई स्कीम लाई गई, तो उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहना कितना सही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।